Assalamualaikum my YouTube family, this is Batul. Welcome back in Batul's Kitchen. सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. I am back with another amazing recipe. तो आज Batul's Kitchen में रेडी होगा बहुत ही मजेदार सा raw mango squash, कैरी का squash मैं रेडी करूंगी. जो समर्स हैं, कैरी का squash बना के स्टोर कीजिए और डेली इंजॉय कीजिए. इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैरी के स्क्वैश की रेसिपी कैसी लगी, कैरी के जूस की रेसिपी कैसी लगी. तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ. और कैरी का स्क्वैश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए कैरी, रॉ मैंगोस मैंने लिए हैं 2 किलो 2 केजी. इसको आपने इस तरीके से फाइनली जो है कट कर लेना है. चीनी शुगर मैंने यहाँ पे लिए 3 कप्स. शहद हनी लेंगे 1/2 कप. काला नमक, ब्लैक सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून. नॉर्मल सॉल्ट लेंगे, नमक 1/2 टीस्पून. तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक पैन लेंगे, मैं उसमें डालूँ जितनी भी कैरीज थी वो मैं डाल रही हूँ. रॉ मैंगो मैंने लिए हैं 2 किलो और उसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास पानी. इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी शुगर, 3 कप्स मैंने लिए. अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. अब इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे. तो चलिए जी मिलते हैं 20 मिनट बाद. ये देखें जी 20 मिनट होगा, कैरी भी अच्छी तरीके से गल गई है, शीरा भी जितना पकना था वो रेडी हो गया है. अब तो ठंडा कर लेते हैं. चलिए जी ठंडा हो गया. मैं एक ब्लेंडर लूंगी, उसमें जितना भी मैंने शीरा प्रिपेयर किया चंक्स के साथ वो डालूंगी. अब इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से. फाइनली आपने इसे ब्लेंड करना है. तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको ब्लेंड करूंगी. इसके बाद इसमें ऐड करेंगे शहद हनी, 1/2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. काला नमक, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून. नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे, नॉर्मल नमक 1/2 टीस्पून. फिर से इसको ब्लेंड करेंगे. तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको ब्लेंड करूंगी. अगर आपने कम और ज़्यादा बनाना है तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ये देखिए जी ये हो गया. अब हम इसे निकाल लेते हैं. एयर टाइट बॉटल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं. देखिए जी बहुत ही थिक गाढ़ा सा जो है स्क्वैश रेडी हुआ है. अब इसको कवर करेंगे. देखिए जी कितनी मज़ेदार सा स्क्वैश रेडी हुआ है. अब मैं इसका ड्रिंक आपको बना के दिखाती हूँ. सर्विंग ग्लासेस लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब. जितना आपने टेस्ट रखना उतना डालेंगे. स्क्वैश डालेंगे. पानी डालेंगे इसमें. और इसको हाफ मिक्स करेंगे. ये देखिए जी मिक्स हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा कैरी का ड्रिंक रेडी हुआ है. बहुत ही मज़े की रेसिपी है. समर्स हैं, गर्मियां हैं, कैरी के स्क्वैश को स्टोर कीजिए और डेली इंजॉय कीजिए. बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है. उम्मीद है आप लोगों को कैरी की स्क्वैश की रेसिपी, कैरी के ड्रिंक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी. रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो चलिए जी मैं इस कैरी के जूस को एंजॉय करती हूँ. आप भी अपने घरों में बना के एंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा. साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव. रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज़.